How to crack MBA CET in next 30 days, we'll be talking in this video. Day wise, week wise timetable I will be giving you. What are the topics one should leave or maybe attempt in the last, and the important pointers which we should know. Okay, so those who have just started your partially preparation apni ho gayi hai, this video will be very very handy for you people. Agar aap JBIMS target kar rahe ho ya to fir aap Sydenham dekh rahe ho, JBIMS ke liye you need to have a 150 plus ka score. Around 140 plus 150 plus is a good score for JBIMS. It is very good college, number one college in fact through CET. Recently I visited JBIMS. I met the director of JBIMS, very benevolent person. And obviously placement wise if we talk about, it has a very good placement. So if you are hitting 150 plus, JB pakka, 140 plus Sydenham pakka, and 130 plus Wellington, followed by your Pumba, SIS and other MBA colleges. So very important video, watch this very carefully and share it to all your friends so that other people should also be benefited from this video. Let's get started. So in next 30 days, at least 6 hours ke aaspaas ka devotion chahiye, Monday to Friday. Saturday Sunday agar bhai 8 hours plus de sakte ho, 10 hours de sakte ho, to aur achhi baat hai. Theek hai. Also whatever resources you are following, from that you have to follow the timetable jo main week wise and day wise timetable dene wala hu. You have to watch the video lectures. If you have joined Manuver ka full course program, in that all the videos will be there. And आपको डेली बेसिस पे दो दो टॉपिक, टॉपिक वन टॉपिक टू प्रिपेयर करने हैं. सो इफ यू आर मैन्युअल लाइव क्लास क्लासरूम स्ट्रेंथ, ऑलरेडी आपके पास ये एक्सेस होगा. अदरवाइज आपने सेल्फ स्टडी कोर्स लिया होगा तो उसके अंदर ये सारे एक्सेस होंगे. इफ यू हैव नॉट टेकन, सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. बाकी अगर आपका कोई सेक्शन वीक है लॉजिक इंग्लिश, देन यू कैन चेक आउट अ सेक्शनल प्रोग्राम एंड मॉक टेस्ट. देर आर 10 मॉक टेस्ट, डेफिनेटली राइट द मॉक टेस्ट. विदाउट मॉक टेस्ट डोंट राइट एक्चुअल एग्जाम. एंड ऑब्वियसली प्रैक्टिस के लिए बुक्स, ई बुक्स यू कैन चेक इट आउट. So all these courses are there on manuvideo.com/MBA entrance. Kindly check it out. So very first, let's talk about important tasks which one should do on daily basis and the important pointers. Okay. Daily one arrangement, linear circular distribution by arrangement daily basis पे एक solve करना है अपने को without fail. ये काम daily है, ठीक है ना. आपके manuver के book के अंदर, if you got the manuver book, उसके अंदर सारे आपके questions दिए हुए. There are 50 questions in this book given. अपने को दो बार कम से कम कर लेना है भाई सारे क्वेश्चंस. ओके, प्लस ऑन योर डैशबोर्ड देर आर वीडियो, देर आर हैंड आउट, यू कैन चेक इट आउट. डेली एक से दो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने हैं, बिकॉज इसका वेटेज एग्जाम में अराउंड 20 मार्क्स के आसपास जाएगा. ये 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ इसका वेटेज ज़्यादा है, वो आप डेली एक एक करते जाओ, सो दैट आपको टफ भी नहीं लगेगा वो टॉपिक और आप उसमें हैबिचुअल हो जाओगे, ठीक है. वर्ड पावर मेड इजी के सारे वीडियो आपके मैनुअल के डैशबोर्ड पे अवेलेबल है. यू हैव टू वॉच ऑल द वीडियोस. 30 डेज है भाई, वो कैप 15 के आसपास, 10 से 15 वो कैप के वाले क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे. तो शॉर्ट में पे वर्ड पावर मेड इजी के पूरे वीडियो देख लो, 15-20 मिनट लगेंगे डेली के सुनने में. दो दो वीडियो, एक एक वीडियो करके खत्म करो, 50 वीडियो है खत्म कर लोगे, ठीक है. प्रीफिक्स, सफिक्स, रूट वर्ड सबको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है वीडियो में. तो अब पूरा बुक पढ़ने जाओगे इट विल टेक टाइम, इस बेटर. सो इससे अच्छा है कि आप वीडियो ही देख लो. एक डेटा इंटरप्रिटेशन, टेबल हो गया, पाई चार्ट हो गया, ठीक है, बार चार्ट हो गया, एक एक DI सॉल्व करना चालू कर दो. एक एक DI डेली का. न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज, वो भी आपका इंडियन एक्सप्रेस. आई रिपीट, इंडियन एक्सप्रेस. मैं हमेशा इंडियन एक्सप्रेस या तो फिर द हिंदू रिकमेंड करता हूँ. इंडियन एक्सप्रेस इज मच मोर सफिशिएंट, बट हाँ एडिटोरियल पेज अपने को करना है, रीडिंग पे काम करना है. सीटी में रीडिंग हैबिट लगेगी, स्पीड भी लगेगी, ठीक है. प्रिपेयर करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और रिवाइज करना है. हम प्रिपेयर और प्रैक्टिस करते हैं बट हम रिवाइज नहीं करते, दैट इज व्हाट द बिग मिस्टेक वी डू. सो मेक श्योर आप रिवीजन करो डेली, वीकली एंड ऑब्वियसली मंथली. मॉक राइटिंग एंड एनालिसिस, आप मॉक लिखो वीकली, आपको मॉक लिखना है, आगे मैंने टाइम टेबल में दिया हुआ है, एंड उसकी एनालिसिस अच्छे से करनी है. तो 150 मिनट्स का टेस्ट है, 180 मिनट का टाइम लगाओ एनालिसिस में. आप अच्छे से एनालिसिस करो पेपर को, जितने क्वेश्चन आपके गलत हुए वो देखो, जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं कर पाए वो देखो, और जो क्वेश्चन राइट हुए वहाँ पे कम टाइम में हुआ क्या, तो मतलब दैट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर अस. एक्यूरेसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले एक्यूरेसी पे काम करो, देन फॉलो द स्पीड. लोग ये करते हैं कि आई हैव मेट मेनी ऑफ द स्टूडेंट जो एकदम स्पीड पे काम कर रहे हैं बट क्वेश्चन सही नहीं हो रहे, राइट नहीं हो रहे. यार सबसे पहले आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है. एक्यूरेसी आना चालू हो गया, अगर आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो उसमें से 80-85-90 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, मतलब एक्यूरेसी अपनी बहुत अच्छी है. तो आपको एक्यूरेसी पे काम करना पड़ेगा एंड स्पीड, ऑब्वियसली आपको फिर ग्रेजुअली स्पीड पे भी आपको काम करने की जरूरत है, बिकॉज सीटी इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट और स्पीड चाहिए ही चाहिए. तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो आप ध्यान में रखो व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सीटी. ये वीडियो प्लीज शेयर कर दो टू एवरीवन सो दैट अदर स्टूडेंट शुड ऑल्सो बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो. ऑलराइट, नेक्स्ट इज व्हाट टॉपिक्स टू लीव और यू कैन डू इन द लास्ट, अगर अपने पास टाइम है तो.
क्वांट के अंदर लॉगरिथम हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, अच्छा क्वाड्रेटिक के अंदर इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं, इसके अंदर एक इनइक्वालिटी टाइप का आता है वो तो करना है भाई, ईजी है। ट्रिगो हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया आपका, लॉन्ग वर्ड प्रॉब्लम, कभी कभी ये होता है कि यू आर गुड विद दी परसेंटेज बट क्वेश्चन काफ़ी यू नो लेंदी आ गया या तो काफ़ी चार पांच पैराग्राफ का है तो आपको देखना है कि वो क्वेश्चन टफ है तो भाई स्किप करते हैं। ऑल्दो वो मेरा कम्फर्ट एरिया था, मतलब यहाँ पे मैं हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था, तो कभी कभी क्वेश्चन लेंदी होता है बट ईजी होता है, बट समटाइम क्वेश्चन लेंदी भी है और टफ भी है, बट वो आपका एरिया बहुत स्ट्रांग है तो आप उसमें अलग टाइम लगाने लगते हो, तो ये गलती मत करना, ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, वो आपको मॉक लिख के होगा, सो काइंडली राइट द मॉक टेस्ट अलॉन्ग विथ योर प्रिपरेशन, पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा फिर मैं मॉक लिखूंगा, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। स्ट्रांग एरिया जो आपका है उसको और बेटर बनाओ, ठीक है, उसको पहले एग्जाम में आपके अटेम्प्ट करो, मॉक में भी यही आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। हाउ टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट उसको लेके ऑलरेडी हैव मेड द वीडियो, यू कैन चेक आउट द चैनल मेरी वो एमबीए एंट्रेंस, उसके अंदर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। इंग्लिश विच इज नथिंग बट ए वर्बल, पैरा समरी वाले क्वेश्चन, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन, आरसी के अंदर जो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं अगर वो लेंदी है एंड ट्विस्टेड है, डिफिकल्ट है, तो भाई लास्ट में करना है या तो फिर स्किप कर सकते हो। पैरा जंबल के क्वेश्चन में लॉजिक प्लस इंग्लिश दोनों है, सो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग अगेन, तो यहाँ पे ये टाइप के क्वेश्चन को आप देख सकते हो, अगर आपका ये एरिया स्ट्रांग है देन गो फॉर इट, ठीक है, बट आइडली इसमें टाइम लगता है। लॉजिक के अंदर इनपुट आउटपुट टू आइडेंटिफाई द पैटर्न, व्हाट इज द लॉजिक गोइंग ऑन, और उसके बेसिस पे फिर आगे के क्वेश्चन, तो ये एक एरिया जो आप लास्ट में देख सकते हो। टफ अरेंजमेंट एंड पजल वाले क्वेश्चन, ठीक है, एंड सेलेक्शन ग्रुपिंग वाले क्वेश्चन, जिसके अंदर ए के साथ बी जा रहा है, फिर अगर बी जा रहा है तो बी के साथ सी और डी नहीं जाएंगे, तो ये जो कंडीशन वाले क्वेश्चन है ये आपका टाइम कंज्यूमिंग है। अपने पास सीटी में टाइम नहीं है, टाइम इज द गेम, सो सीटी इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, अगर आपको टाइम मैनेज करना आ गया आप सीटी में बहुत अच्छा करोगे बाय डिफॉल्ट। ऑलराइट, तो अगर सीटी के अंदर अपना 140 प्लस आ रहा है तो सिडनम पक्का है, 150 प्लस जा रहा है तो जेबी पक्का है, ठीक है, या तो आप सीटी में टॉप करने के बारे में ये एटीट्यूड के साथ बेसिकली आपको पढ़ाई करनी है, या तो मैं 150 लेके आऊँगा या तो मैं 140 प्लस या तो टॉप मारूंगा सीटी में। और ओएमएस वाले हो तो भाई आपको थोड़ा और भी अच्छा परफॉर्म करना है बिकॉज आपके लिए सीट कम है, कट ऑफ ज़्यादा है। ओके, सो काइंडली सेट योर गोल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट योर गोल, वंस यू सेट योर गोल देन यू विल स्टार्ट चेजिंग इट। तो छोटा छोटा गोल बनाओ, आप पहले 100 टच करो, 100 के बाद आप 110 पे आओ, 120 पे आओ, 130, 140, 150 प्लस, ठीक है, तो स्मॉल स्मॉल गोल टच करो, जो भी आपका स्कोर बन रहा है उससे प्लस 10 आपको आगे जाना है, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट द कंप्लीट प्लानिंग वीक वाइज, तो ये आपका वीक वन है, ठीक है, जब भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजाइज कर लेना, अगर आप थोड़ा लेट देख रहे हो तो उस हिसाब से स्ट्रेटेजाइज कर लेना, एंड ये टाइम टेबल आपको अच्छे से फॉलो करना है। सो मैंने क्या किया है, पर डे आपको दो टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, सो डे वन पे नंबर लेटर सीरीज 2.5 से 3 घंटे देने हैं अपने को, आपके मेनूवर के डैशबोर्ड के वीडियो आप देख के आराम से टाइम में कर लोगे, और कुछ क्वेश्चन भी आपके बुक से हो जाएंगे, जो क्वेश्चन बच जाएंगे आपके उसको आपको सैटरडे संडे करना है, तो वीक में अपने को ये सारे टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है, इसलिए मैंने दो दो टॉपिक लिया है पर डे। अगर आपके पास और टाइम है 6 से 8 घंटे तो और अच्छी बात है, आप ज़्यादा टाइम दे पाओगे। मैथ्स का स्पीड मैथ्स हो गया आपका, ठीक है, उसके बाद डेली रिविजन मैंने रखा हुआ है, उसके बाद अल्फ़ाबेट टेस्ट परसेंटेज मैथ्स है, कोडिंग डिकोडिंग नाउन प्रोनाउन आपका ग्रामर पार्ट हो गया इंग्लिश, तो बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि हम सारे सेक्शन पे अटैक कर रहे हैं। वर्ब एंड एडवर्ब 1.5 घंटे में आपका हो जाएगा वीडियो देखे, उसके अंदर ही हो जाएगा, फिर आपका जो बुकलेट दिया हुआ है, हैंड आउट दिया हुआ है ग्रामर रूल का, वो गो थ्रू करना है आपको, मैं आगे डैशबोर्ड भी आपको शो कर दूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस 3 आवर्स, एग्जेक्टिव प्रिपोजिशन 1.5 आवर, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग 1.5 आवर, ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस करना जो बचे हुए आपके क्वेश्चन है, हो सकता है कि पूरे दिन में आप जो क्वेश्चन है टॉपिक को लेकर वो प्रैक्टिस ना हो पाए अपनी, तो आपके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप प्रैक्टिस आपके वीकेंड तक हो जाने चाहिए। रेशो प्रोपोर्शन एज इज 3 आवर्स का टाइम, ओके, सो अगर 10 मिनट का वीडियो है उसको आप देखने में समझने में आपका 15 मिनट आराम से चला जाएगा, 15 से 20 मिनट भी जा सकता है, हो सकता है कुछ चीज़ आपको नहीं समझे तो आप रिवाइंड करके वापस देखोगे। तो जब भी आप लर्निंग फेज में हो थोड़ा टाइम दो और फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैथ्स को लेके आपके मेनूवर के बुक में 50 क्वेश्चन है, आपने 30 क्वेश्चन सेव किया, आई रिपीट 30 क्वेश्चन कर रहे हो, मोर देन सफिशियंट है, बट यार 2 बार कर लेना, 2 to 3 times। लॉजिक में भी 50 क्वेश्चन है, बट लॉजिक के पूरे 50 करोगे तो और अच्छी बात है, तो आप ये कर सकते हो कि पहले 30 क्वेश्चन को अटैक करो और जो बचे हुए 15-20 क्वेश्चन होंगे आपके, है ना, 30-35 क्वेश्चन अगर आपने पहले अटैक करके कर लिया, फिर 15-20 क्वेश्चन जो है आप साइड संडे तक कर लो, तो आप इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो। इट इज़ ऑल डिपेंडेंट कि आप कितना टाइम डिवोट कर रहे हो आपके प्रिपरेशन को लेकर के। बाकी आपको मॉक लिखना है एवरी वीक एंड रिविजन करना है,
जितने भी टॉपिक आपने प्रिपेयर किया उसका टॉपिक टेस्ट लिखना है। तो ये है आपका वीक वन का काम। ऑल द वीडियोज आर देयर ऑन मेन्यूअर डैशबोर्ड, वॉच ऑल द वीडियोज फ्रॉम योर डैशबोर्ड। सो फ्रॉम वीडियो लेक्चर यू विल बी लर्निंग द कंसेप्ट, टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन एंड हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ऑलराइट, नेक्स्ट इज वीक टू। अगेन टू टॉपिक्स वी हैव टू प्रिपेयर, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी टाइप बोल रहा हूँ मैं, जहाँ पे आपको एक्स के रिस्पेक्ट में एक इक्वेशन दिया जाएगा और एक वाई के, या तो ए और बी के रिस्पेक्ट में आपको सॉल्व करके एक्स बढ़ाए कि वाई बढ़ाए ये कंपेयर करना है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद ब्लड रिलेशन, मैंने टाइमिंग भी डाल दिया, इतने टाइम में आपका वीडियो देख के हो जाएगा, हो सकता है कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लो इस टाइम में, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो थोड़ा टाइम और देके आपको प्रैक्टिस करना रहेगा। कंजंक्शन एंड आर्टिकल, रैंकिंग हो गया आपका, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ठीक है, बिकॉज इसके 25 क्वेश्चन आएंगे, स्कोरिंग भी है, 25 में से 20 कहीं नहीं गया है, तो आराम से आप इसको स्कोर करोगे अच्छे से। इनपुट आउटपुट 3 आवर्स, रिटेक्शन 1.5 to 2 आवर्स, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग अगेन, टाइम एंड वर्क, ठीक है, जिसके 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है, प्रैक्टिसिंग रिमेनिंग क्वेश्चंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस 3 आवर्स। 3 आवर्स में आप आराम से वीडियो देख लोगे, आप बुक से क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लोगे, एटलीस्ट 10-15 क्वेश्चन तो आप प्रैक्टिस कर ही लोगे। दैट डिपेंड्स कि आपको कितना समझ में आया टॉपिक, कितना आपको वो डिफिकल्ट जा रहा है, ईजी जा रहा है, तो आप जल्दी कर लोगे। एंड उसके बाद आपको रिविजन और टॉपिक टेस्ट और मॉक टू। एवरी संडे यू हैव टू राइट द फुल लेंथ मॉक टेस्ट, आई रिपीट, एवरी संडे फुल लेंथ मॉक लिखना है। जितनी भी पढ़ाई हुई है आपकी, डजेंट मैटर, आप फुल लेंथ मॉक लिखो, स्कोर कम आएगा चलेगा, बट मॉक लिखना बहुत जरूरी है। तो आप पहले 1-2 मॉक जो लिखोगे उसमें पहले जेन्युइन अटेम्प्ट से जाओ, तुक्का मटका मत मारो। 3rd-4th मॉक से आप वो चालू कर सकते हो, एटलीस्ट आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ इतने क्वेश्चन में जेन्युइन अटेम्प्ट करा, उसमें से मेरी एक्यूरेसी क्या है, कितने राइट हो रहे हैं, कितने रॉन्ग हो रहे हैं। तो आप थोड़ा एक्यूरेसी पे इनिशियल 2 वीक्स काम करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, तो जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं वो काम हम डेली कर रहे हैं, RC हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, अरेंजमेंट हो गया आपका, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले आपके एग्जाम में, तो आप इसको डे 1 से एक एक करके कर रहे हैं, ताकि ये आगे जाके मेरे लिए बर्डन ना हो। आगे मैंने टाइम टेबल में ये टॉपिक ऐड किया हुआ है, ठीक है, तो आपका काम थोड़ा और इजी हो जाएगा। अगर आपका वो हर दिन करते करते इजी हो गया, वो टॉपिक आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, तो वहाँ पे कम टाइम लगेगा आपका, ठीक है। तो वीक 2 का हो गया आपका। नाउ नेक्स्ट इज वीक 3। वीक 3 में सिलॉजिज्म 2.5 से 3 घंटे, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन 3 आवर्स, हमने लॉजिक और मैथ्स कर रहे हैं, फिर इंग्लिश भी साथ में कर रहे हैं। इनइक्वालिटी हो गया लॉजिक से, प्रोबेबिलिटी आपका क्वांट हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स क्लोज टेस्ट, देन लीनियर अरेंजमेंट, आपके डैशबोर्ड पे पूरा वीडियो दिया हुआ डैश लीनियर अरेंजमेंट का, काइंडली गो एंड वॉच दैट। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पूरे वीडियो दिए हुए, ज्योमेट्री के पूरे वीडियो दिए हुए, 3 आवर्स में ये कर लोगे आपका। RC भी आराम से, RC आप सॉल्व करने से पहले आई वुड सजेस्ट कि आप पहले वीडियो देख लोगे, फिर RC डेली का सॉल्व करोगे तो और अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। लीनियर अरेंजमेंट एंड ज्योमेट्री, अब ये टाइम आपको वीडियो देख के तो हो जाएगा, ये जो एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ मैं यहाँ पे 2 बार वो सॉल्व करने का दे रहा हूँ, आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। बाकी फिर सर्कुलर अरेंजमेंट, मेंसुरेशन हो गया, मॉक 3 एंड रिविजन, बाकी आपका टॉपिक टेस्ट, ठीक है। एंड फाइनली वीक 4, सो क्लॉक एंड कैलेंडर, रीडिंग कॉम्पिटिशन, ऑडी हम रीडिंग कॉम्पिटिशन पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे इतना टाइम नहीं लगेगा। तो जो एरिया आपको लग रहा है वीक है या और मुझे प्रैक्टिस करने की जरूरत है, टाइम ज़्यादा देना, आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। सिलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर सिस्टम हो गया, पैराग्राफ जंबल हो गया 3 आवर्स, अलजेब्रा 3 to 4 आवर्स, क्रिटिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, लीनियर अरेंजमेंट, ठीक है, सर्कुलर अरेंजमेंट, बिकॉज अरेंजमेंट के क्वेश्चन 20-25 आएंगे, इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम दिया हुआ है। ये क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर आपको स्टेटमेंट, अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस, ये 3-4 टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस, ये चार टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, बाकी कोर्स ऑफ एक्शन एंड कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। तो अगर आपका अरेंजमेंट लीनियर सर्कुलर हो गया तो यहाँ पे आप थोड़ा ज़्यादा टाइम इसको दे सकते हो, बिकॉज इसके अराउंड 10 to 15 के बीच के क्वेश्चन बनेंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, वो कैब वाले क्वेश्चन, हम वर्ड पावर मेडिज ऑडी करें तो एंटोनिम्स सिनोनिम्स आपके मेन्यूअल के बुक में दिए हुए सारे क्वेश्चन, काइंडली गो थ्रू इट। बाकी जो रिमेनिंग मॉक है आपको वो मॉक टेस्ट लिखना है। सो ये है आपका, सो दिस इज व्हाट योर कंप्लीट 30 डेज प्लानर, 4 वीक का प्लानर है। अच्छे से अगर आप ये फॉलो करते हो तो बहुत स्मूथली आपकी पढ़ाई होगी और आपका स्कोर भी अच्छा बनेगा। वीक वाइज इफ यू टॉक अबाउट नंबर ऑफ डेज वर्सेस प्रिपरेशन, तो भाई मंडे टू फ्राइडे 6 to 7 आवर मुझे देना है मेरे CET के प्रिपरेशन को लेके, सारे सेक्शन मिला के 6-7 घंटे में आपके हो जाएंगे जो मैंने टाइम टेबल दिया हुआ है। बाकी 10 to 12 आवर्स वीकेंड में अगर आप दे रहे हो तो और अच्छी बात है, आपको मॉक भी लिखना है, एनालिसिस भी करना है, और जो टॉपिक आपने प्रिपेयर किया उसकी प्रैक्टिस रह गई होगी तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, सो वंस यू लॉग इन ऑन योर डैशबोर्ड, दिस इज व्हाट द वीडियो लेक्चर यू विल गेट, वीडियो लेक्चर, हैंडआउट एंड मॉक टेस्ट, यहाँ पर क्वांट के सारे वीडियो है। सो इफ यू हैव ज्वाइन मेन्यू और सेल्फ स्टडी प्रोग्राम तो इसके अंदर ये सारे वीडियो मिल जाएंगे, लिंक चाहिए तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इफ यू हैव नॉट येट ज्वाइन यू कैन ज्वाइन द प्रोग्राम।
ठीक है, वैसे ही आपका ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ऑल दिस टॉपिक्स आर देयर, ठीक है। लाइकवाइज लॉजिकल रीजनिंग के ये सारे टॉपिक, सो काइंडली गो थ्रू ऑल दिस टॉपिक। इसके अंदर आपको बेसिक टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सॉल्विंग तक पूरा वीडियो दिया हुआ है, काइंडली गो थ्रू इट, ओके। सो नेक्स्ट 30 डेज वी हैव टू गिव आर 100%, ठीक है। जहाँ जहाँ पे भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो आपका, सोशल मीडिया से लेकर के, OTT प्लेटफॉर्म से लेकर के, और वेर एवर यू आर वेस्टिंग योर टाइम, स्टार्ट सेविंग द टाइम सो दैट यू कैन यूटिलाइज मोर टाइम फॉर द प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन, लर्निंग द स्ट्रैटेजी, सो दैट यू कैन सेव मोर टाइम फॉर प्रिपरेशन, प्रैक्टिसिंग, एनालिसिस, रिविजन एंड मॉक राइटिंग, ठीक है। तो आपको टारगेट रखना है 150+, ठीक है, या तो मैं CET में टॉप करूँगा, दिस शुड बी योर एटीट्यूड। सो ऑल द वीडियो लेक्चर्स ट्राई टू वॉच एटलीस्ट 2 times, देखोगे तो और अच्छी बात है आपके लिए, ओके। और अगर आपका प्रिपरेशन करके हो गया है तो स्टार्ट राइटिंग दी मॉक टेस्ट बुक्स, मॉक टेस्ट, फुल कोर्स, सेक्शनल प्रोग्राम, ऑल द प्रोग्राम लिंक आई हैव मेंशन इन डिस्क्रिप्शन, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। एंड या 2024 कैट एंड 2025 नॉन कैट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, सो इफ यू आर मुंबई बेस्ड यू कैन चेक आउट द सेंटर, दादर, वसई, बोरीवली, थाने एंड अंधेरी। For any kind of a doubt inquiry, you can write in the comment section. I'll be happy to reply you. Please share this video to everyone so that other students should also be benefited from this video. Prepare well. All the best. Thank you.